नमस्कार सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज हम फोकस करेंगे त्रिपुरा के चुनाव पर, जहां सबसे पहले 16 फरवरी को मतदान होना है। तो शुरू करते हैं चुनाव चक्र। सबसे पहले आपको तीनों राज्यों जहां चुनाव होने हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चल रही ताजा चुनावी हलचल की जानकारी दे देते हैं। त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। CPIM ने गठबंधन के तहत कांग्रेस को 13 सीटें दी हैं, हालांकि कांग्रेस इससे ज्यादा सीटें मांग रही है। CPI को एक सीट दी गई है। इसके अलावा RSP फॉरवर्ड ब्लॉक को भी एक एक सीट दी गई है। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के लिए छोड़ी गई है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। त्रिपुरा में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी है। और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है। इस बीच बुधवार देर शाम कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें कुल 55 नामों का ऐलान किया गया है। नागालैंड में भी 27 फरवरी को मतदान होगा। यहां भाजपा और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP का गठबंधन है। यहां NDPP 40 बनाम 20 के फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा चाहती है। नागालैंड के चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी आप ने भी एंट्री ली है। पार्टी ने यहां भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपके पूर्वोत्तर प्रभारी राजेश शर्मा ने कोहिमा में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पूर्व विधायक आसू कीहो को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर तीनों राज्यों के चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। तीनों ही जगह 60-60 सीटें हैं और नतीजे एक साथ 2 मार्च को आएंगे। तो अब बात शुरू करते हैं। चलते हैं अपने संवाददाता संदीपन तालुकदार के पास, जो पूर्वोत्तर की राजनीति पर गहरी निगाह रखते हैं। तो सबसे पहले अपडेट आपसे चाहेंगे। पहले त्रिपुरा हम इस बार फोकस करेंगे, लेकिन आप तीनों राज्यों को लेकर एक अपडेट दीजिए, क्या ताजा हलचल है। शुक्रिया मुकुल जी। आप त्रिपुरा की अगर बात किया जाए तो हमको लगता है कि सबसे नज़दीक तो वही होने वाला है। 16 फरवरी को इलेक्शन चुनाव का दिन है, तो त्रिपुरा में एक बात तय हो गया एकदम। इस बार इलेक्शन त्रिकोणीय होने जा रहा है, मतलब ट्रायंगुलर होने जा रहा है, ये एकदम तय हो गया आज के डेट पे, जो त्रिपुरा की इतिहास में जनरली नहीं होता है। त्रिपुरा के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। और त्रिपुरा के राजनीतिक इतिहास में जैसे कांग्रेस और CPIM लेफ्ट फ्रंट लेड बाय CPIM, इन दोनों के बीच में से आपसी टकराव हमेशा रहते थे, तो इस बार CPIM और कांग्रेस, CPIM और लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का अलायंस बना, जैसे आपने पहले कहा। लेकिन उधर दूसरे एक पोल में है BJP अपना पूरा एजेंडे के साथ, और तीसरे पोल पे है एक नया शक्ति का उभार हुआ है, जो प्रद्युत माणिक्य के नेतृत्व में चला है, जिसको कहते हैं कि त्रिपुरा मोठा, जो बेसिकली इंडिजिनियस लोगों का पार्टी ये लोग कहलाते हैं। तो आज के डेट में अगर देखा जाए कि राजनीति की गति किस तरफ जा रही है, तो आज के डेट में अगर हम बोले तो ये कहना होगा कि कोई किसी का पल्ला एक तरफ भारी एक तरफ झुका हुआ इस तरफ तो ऐसा तो नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना विभाजित हो गया है, क्योंकि 2 पोल तो नहीं रहा, 2 पोल होते तो फिर कह सकते थे। और ये इंटरेस्टिंग एक चुनाव मेरे ख्याल से त्रिपुरा में इस बार होने जा रहा है। और तो हम डिटेल पर बाद में जाएं, अभी हम फिर छोटा सा अभी मेघालय और नागालैंड, इसमें क्या गतिविधियां ताजा अभी चल रही हैं, हलचल क्या है, फिर हम त्रिपुरा पर वापस आते हैं। मेघालय में आपका पुराना ही जो था उसी उसी दिशा में ही जा रहे हैं, क्योंकि
कोनराड सांगमा की पार्टी अपने से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी वहां पर है। अभी 2 दिन पहले बीजेपी का एक वहां के मुखपत्र का स्टेटमेंट आया था कि बीजेपी इस बार सरकार तो बना लेगी, क्योंकि कोई ऑप्शन और दिख नहीं रहा है। हालांकि कोनराड सांगमा का भी कोई चांस बहुत कम है, ऐसा कम नहीं आंकना चाहिए। और उधर मुकुल सांगमा जो आपका टीएमसी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी ये तीनों एक नजर, कांग्रेस भी है वहां पर, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट लेने वाली पार्टी थी लास्ट चुनाव में, 2018 के चुनाव में। हालांकि वो सरकार नहीं बना पाई, लेकिन कांग्रेस अपने से है। और अभी जो बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि प्री 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 इलेक्शन कोई अलायंस अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ मेघालय में, कोई किसके साथ है, कि क्या अलायंस करेगा, ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। और किस टाइप से अगर कहीं कहीं जगह एक स्ट्रेटेजिक सीट्स पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई एक या दो पार्टी अपने अपने बीच में कोई समझौता करे सीटों को लेके, ये भी साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक एक जो बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि पोस्ट इलेक्शन में कोई किसी के साथ भी जा सकता है, क्योंकि प्री इलेक्शन में अभी तक अलायंस का बात नहीं है और मैं ये भी ना। बता दूं दर्शकों को कि जब हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज शुक्रवार 27 जनवरी, क्योंकि राजनीति में पल पल में स्थितियां बदलती हैं, तो ये बता देना जरूरी है कि अगले पल या अगले दिन क्या नया कुछ घटे उस पर हम अपडेट लाते रहेंगे। आज की तारीख में अभी कोई प्री पोल अलायंस मेघालय में नहीं दिखाई दे रहा। मेघालय में नहीं है तो नागालैंड में बीजेपी का अलायंस है इंटैक्ट, लेकिन नागालैंड में इस बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि कल ही स्टेटमेंट आया था कि जितने ज्यादा सीटों में हो सके कि वो लोग चुनाव लड़ेंगे। एक नया और इंटरेस्टिंग पहलू वहां पर लग रहा है, क्योंकि नागालैंड जैसे जगह पे नॉर्थ ईस्ट के मुकुल जी पहले भी बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ के लोकल कॉन्ट्रडिक्शन सबसे ज्यादा भारी रहता है कि यहाँ के चुनाव में, यहाँ के पॉलिटिक्स में, और उसमें भी भारी रहता है कि आपका कोई कोई राज्य में जैसे आसाम, मणिपुर, अरुणाचल, ये सब में सेंटर में कौन सी पार्टी की सरकार है वो काफी ज्यादा प्रभावित करती है। लेकिन नागालैंड जैसे जगह में आम आदमी पार्टी का इस टाइप का इनरोड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमको दिखा रहा है। हालांकि 2-3 दिन पहले हम आपको बताए कि नागालैंड पे एक डिमांड भी, एक अपील भी कोई ग्रुप कुछ ग्रुपों ने किया है कि इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाए, ऐसा भी खबर वहां पर आ रहा था। हालांकि आज के डेट पे जो टक्कर होने वाला है तो बीजेपी अलायंस और कांग्रेस का ही लग रहा है। वहां पर कांग्रेस के साथ किसी का प्री पोल अलायंस कांग्रेस की एक तरफ से अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन त्रिपुरा में जैसे साफ है चीजें, बाकी इन दोनों स्टेटों में बहुत ज्यादा साफ हाँ, तो नजर नहीं आ रहा संदीपन है। मैं ये भी बता दूं, जैसे आपने अभी खुद बताया कि कुछ स्टेट नागालैंड, मेघालय, खासतौर से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सरकारें इससे तय होती हैं कि सेंटर में किसकी सरकार है, वो उसके साथ साथ चलते हैं, उसी के जुड़ाव में कोई ना कोई सरकार वहाँ बनती है। और मैं बता दूं कि यही शायद वजह भी है जो अचानक से अब जनवरी में फिर एक नेशनल मूड मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आने लगा है कि अगर आज चुनाव हो तो सेंटर में किसकी सरकार आ जाएगी, कल चुनाव हो तो क्या होगा। तो एक इस तरह से भी माहौल बनाया जाता है, क्योंकि एक आदमी को जब दिखता है कि भाई सेंटर में क्या होने जा रहा है, तो फिर तो इन राज्यों पर भी उसका असर पड़ सकता है। ये हम मानकर चल सकते हैं कि भाई हम लगे कि भाई यही आएंगे वापस 24 में, तो इसी उसमें हम सरकार चुने अपनी। अब चलिए हम त्रिपुरा पर फोकस करें, तो त्रिपुरा के बारे में जरा डिटेल से बताइए कि अलायंस हो गया है, सीटों की घोषणा सीपीआईएम ने कर दी है और कांग्रेस के लिए भी सीटें तय कर दी हैं, वहाँ थोड़ा सा रस्साकशी है, कुछ सीटों की बार्गेनिंग शायद चल रही हो, तो अब यहाँ से क्या सीन बन रहा है त्रिपुरा का, क्या हलचल है वो बताइए। हाँ, लेकिन एक बात जैसे आपने पहले अभी अभी बोला कि क्योंकि एक नेशनल मीडिया की तरफ से भी एक मूड बनाने की शायद कोशिश हो रही कहीं ना कहीं कि वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो बाकी जो जो स्टेटों पे चुनाव होने वाला है वहां पर भी बीजेपी रहेगा, 24 मई बीजेपी, ऐसा एक इनडायरेक्टली एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, खासतौर पर मेघालय और त्रिपुरा में इस बार सिनेरियो थोड़ा सा दूसरा है। अभी तक कहना बड़ा मुश्किल है, अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि उस नेशनल मीडिया के प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है यहाँ की राजनीति। खैर, जो भी है, त्रिपुरा में अगर आए, त्रिपुरा में
पहले तो हम बात कर लेते कि आप किस किस का क्या क्या मुद्दा लेके कौन 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 पार्टी और कौन कौन अलायंस किस मुद्दों के साथ इलेक्शन में उतर रही है। पहले आते हैं सीपीएम और कांग्रेस का। सीपीएम मतलब सीपीएम लेफ्ट लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की जो अलायंस है, इस अलायंस का सबसे ज्यादा फोकस जो है वो है डेमोक्रेसी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे और सेव माने कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड पे। वो लोग साफ तरीके से घोषणा भी कर चुके हैं कि जिस टाइप से त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं है। जनता भी ये बात कह रही थी कि काफी प्रोटेस्ट भी पिछले दौरान हमारे सामने आया त्रिपुरा में कैसे हुआ। जनता भी काफी परेशान रही है इस चीजों से कि हालांकि हमको याद होना चाहिए कि 2018 में बीजेपी का सरकार आने के तुरंत बाद 25 साल का जो लेफ्ट फ्रंट का सरकार थी उसको खत्म करके जब बीजेपी आई, पहला जो काम उन लोगों ने किया था सरकार आने के बाद, आप लेनिन का मूर्ति उसको उखाड़ देना या वामपंथ का जिस टाइप के कोई कोई प्रतीक हुआ करते थे, मूर्तियां हुआ करती थी, उन लोगों को तबाही करना, फिर सीपीएम के ऑफिस में जाके घुसपैठ करके जला देना, मारना, तोड़ना फोड़ना, ये हम लोगों के सामने आया तुरंत बाद। हालांकि ये 5 साल अभी होने वाला है, ये 5 साल जनता का जो रुख है ये ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी डिटोरिएट किया है त्रिपुरा में पहले की तुलना में, और बाकी डेमोक्रेसी का ऊपर भी काफी हमला है त्रिपुरा के अंदर भी। ये दोनों चीज आपका कांग्रेस और सीपीएम का प्राइमरी एजेंडा है। ये इसको लेके ही ये अलायंस अभी चल रहे हैं। हालांकि मैनिफेस्टो तो अभी सामने नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, तो मैनिफेस्टो तो आएगा तो और डिटेल्स में चीजें आ जाएगी। हो सकता है कि अभी कुछ ही दिन में मैनिफेस्टो भी निकाले सभी पार्टियां। फिर आपका अगर बीजेपी का देखेंगे तो बीजेपी इस बार क्या कर रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि घर घर बीजेपी बोल के कैंपेनिंग चलाए इन लोगों ने। घर घर बीजेपी में वो लोग बूथ लेवल में घर घर में जाके बीजेपी की टीम वहां पर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि लोगों का फीडबैक लेके हम लोग मैनिफेस्टो करेंगे। ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों का फीडबैक लेके मैनिफेस्टो निकालेंगे, ये आप थोड़ा सा उत्पतन सा चीज है हमको लग थोड़ा रहा है केजरीवाल क्योंकि स्टाइल भी है ये, कहा जाए जैसे वो दिल्ली में पंजाब में, जी कांग्रेस हाँ वो जो भी कहते ऐसा किया करने की कोशिश किया, जी था, तो इसलिए जनता से ही कुछ कुछ बातें निकाल लिया, कुछ उन लोगों को भी समझ में आने लगे कि जनता का मूड एक्चुअली क्या है, तो उसमें मैनिफेस्टो में घोषणा करके कुछ उस टाइप से हो सकता है कि कोशिश करे एक मूड बनाने की, इस टाइप का चीज एक है। आप जबकि जबकि बाकी मैं कहूं संदीपन, सत्तारूढ़ पार्टी किसी भी सरकार को अपने कामों को लेकर एक मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए कि हमने ये किया था और ये करने जा रहे हैं। अब वो जनता से पूछने जा रहे हैं, जैसे पहली बार सरकार बनाने जा रहे हो कि हम क्या करें। आपको पिछली बार मैंडेट दिया, आप जनादेश लेकर आए, आपको जो काम करना था वो बताइए, किया या नहीं किया? जी वही तो वही वही हम कह रहे थे कि मतलब अजीब टाइप का एक कैंपेनिंग भी वो लोग चला रहे हैं बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का अभी तक कोई साफ मुद्दा जिस टाइप के लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस बोल दिया कि डेमोक्रेसी, लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन, इनको सामने रख के हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई मुद्दा यहाँ पर आ नहीं रहा है बीजेपी का। हिंदुत्व का भी कोई मुद्दा वो लोग शायद कर नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी इंडिजिनियस का भी मामला तो काफी निकल गया था सीएए के बाद, उनका भी कॉन्ट्रडिक्शन उभर के जबरदस्त तरीके से सामने आया, जिसके चलते ये तीसरा जो फ्रंट वहां पर उभर के आया, टिपरा टिपरा वहाँ के कम्युनिटी होते, त्रिपुरी इंडिजिनियस लोगों को कहते हैं, तो फिर टिपरा मोठा बोल के जो पार्टी है, तो हमको जो लग रहा है कि टिपरा मोठा का एक प्राइमरी जो डिमांड है कि एक सेपरेट टिपरा लैंड, सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड वो लोग सामने रख के चल रहे हैं इलेक्शन में। डायरेक्ट सीधी तौर पे वो लोग कह रहे हैं, मानिक बीजेपी की तरफ से भी माणिक्य को अप्रोच करने की कोशिश की। आसाम का चीफ मिनिस्टर हिमंत विश्व शर्मा भी उनसे बात किए कि बीजेपी के साथ अलायंस वो लोग करना चाहते हैं तो फिर वेलकम है, ऐसा बात हुआ। और माणिक्य दिल्ली में भी थे तो दिल्ली में भी उन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन अभी आज कुछ देर पहले जो खबर आ रही है कि ये अलायंस अभी संभव नहीं है, क्योंकि माणिक्य ने तो पहले बोला था कि किसी के साथ भी अगर हम लोग अलायंस करेंगे तो हमारा जो प्राइमरी डिमांड है एक सेपरेट टिपरा लैंड, उसी अलायंस हो सकती है, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, ये क्लियरली बोल दिया था। तो अगर बीजेपी के साथ, अगर बीजेपी अगर चाहती कि उसके साथ अलायंस करे, तो माणिक्य का सीधा बात था कि
सेंट्रल लीडरशिप से और सेंट्रल मिनिस्टर गवर्नमेंट से ब्रिटेन में चाहिए होगा अलायंस करने से पहले, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा संभव है। और इसी कारण से हमको ये भी लगता है कि नेशनल पार्टी कांग्रेस और वामपंथ वामफ्रंट लेफ्ट फ्रंट का भी थोड़ा सा हो सकता है कि एक खाई है, एक एक थोड़ा सा डिफरेंस, एक गैप है कि इस डिमांड के साथ, उसी डिमांड के साथ प्राइमरीली तीपरा मोठा पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। तो ये साफ हो गया, बीजेपी का स्टैंड अभी तक, बीजेपी का आपका इशू बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा है। बाकी दोनों शक्तियां तो अपने अपने क्लियर कर चुकी है। तो यहाँ हमको जो लग रहा है इस बार, अगर इस मुद्दों पे अगर इलेक्शन हो जाएगी, तीनों मुद्दा अलग अलग होगा, बीजेपी क्या लाएगी हम लोग गेस कर सकते हैं, लेकिन ये तो सारे मुद्दे जब आ जाए और इसी मुद्दे में अगर पूरा इलेक्शन हो, तो हमको लगता है कि एक आइडियोलॉजिकल कहिए या के साथ कहिए, उसमें इलेक्शन शायद होगा। और वो वोट के समीकरण में, सीटों के समीकरण में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, किसके पास वो मैजिक नंबर आ जाएंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी का बहुत ज्यादा एकदम क्लियर कट हमको हमको तो नहीं दिख रहा है। तो ये मुद्दे तो तय हैं और बीजेपी का आप जैसे कह रहे हैं गैस ही कर सकते हैं, गैस भी क्या कोशिश की कि हिंदुत्व का मुद्दा वो चलाएं, जैसे आप और हम जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की जमीन से कहा कि राम मंदिर की तारीख का ऐलान किया, तो खैर शायद वो एक मुद्दा वो बनाना चाहते हों। लेकिन और जैसे सेफ डेमोक्रेसी, ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, और भूख, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर किस तरह की हलचल है, उसे थोड़ा सा बताइए। ये बेरोजगारी अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में बेरोजगारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कहीं पर भी बेरोजगारी प्रॉब्लम एक है, इशू एक है। उससे ना बीजेपी भाग सकता है, ना कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट तो भागने की कोई सवाल नहीं होता, ना आपका टीपरा मोटा पार्टी भी भाग सकती है, क्योंकि वो कहे है, मतलब मानिक कभी कहे है कि टीपरा लैंड सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड है, लेकिन ये जो हो रहा है डे टू डे लाइफ में, इतना ज्यादा महंगाई है, लोग गरीबी, मतलब मिडिल क्लास बहुत सिंक कर रहा है ना, वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का सिचुएशन दिख रहा है, तो ऊपर से बेरोजगारी को एकदम नया कोई जॉब आ नहीं रहा है, कहीं नहीं आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। अगर सरकारी उसमें देखे तो प्राइवेट का ऐसे भी बहुत ज्यादा ओपनिंग नहीं रहता है, जो भी थे वो सेचुरेटेड हो चुके हैं, लोगों को चटनी हो रही है, तो ये सब चीजें तो लोग कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसमें कुछ बोलने का सवाल नहीं हो है, क्योंकि वो लोग कुछ कह नहीं सकते कि उन लोगों के पॉलिसी के कारण ही ये पूरा सिचुएशन सामने आया। आप ये तो है त्रिपुरा में तो काफी है, और एक बड़ा मुद्दा बनेगा वहां बेरोजगारी, बड़ा मुद्दा है ऑलरेडी, सभी जगह में है, नागालैंड में भी है, आपका मेघालय में भी है, और त्रिपुरा में भी एकदम है, ये मुद्दा तो है। लेकिन ये उसके साथ जो अपना अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब को लेकर किस तरह के वहाँ आप देखते हैं, क्या चीजें हैं? नहीं, इसे बेरोजगारी के साथ ही, मतलब आपका बेरोजगारी और महंगाई, ये दोनों तो बहुत जुड़ा हुआ है, और उसके साथ ही आपका शिक्षा और वो भी आ गया, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य। हाँ, आपका दिल्ली में एम्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल का हालत क्या है, हमने न्यूज क्लिक में भी लिखा है, आसाम के पर्सपेक्टिव में लिखा था, पिछले साल सीरीज लिखा था, और बाकी नॉर्थ ईस्ट के जगह में भी बहुत तो नहीं है। और आपके प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इतना महंगा हो चुका है आज के डेट पे, आपका कहना मतलब कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर खून का टेस्ट करने के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए आपको 2,000 रुपये चला जाता है, और उधर महंगाई है और बेरोजगारी है, तो ये सारी चीजें जुड़ जाता है। मैं और पूछूंगा संदीपन, जैसे उत्तर भारत में तो हम लगातार बात करते हैं खेती किसानी, ये भी कुछ मुद्दे, कुछ किस तरह का वहाँ विशेष बातें हैं वो बताइए जरा। देखिये, मेघालय और नागालैंड में जो किसान होगा और खेती वहाँ की चीजें होगी, यहाँ तक असम भी, अगर आप किने असम तक आपका, यहाँ का फार्मिंग सिस्टम, यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम आपका नॉर्थ इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम से काफी अलग है, पूरा अलग है।
तो यहाँ पर एमएसपी का अगर 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 किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन में एमएसपी प्राइमरी इशू बन के आया था, वो इशू उभर के आया। यहाँ पर एमएसपी का कोई चीज ही नहीं था, यहाँ तक असम में भी नहीं। और आपका अगर नागालैंड में जाए कि नागालैंड पहाड़ी एरिया है, कोई कोई तो बहुत मुश्किल टिरेन है, वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, कोई कोई आपका एक गांव में आपका हो सकता है कि 150 भी लोग ना हो, ऐसा भी जगह है। तो उन लोगों का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज नहीं है। ट्रेडिशनली झूम खेत झूम कल्टीवेशन प्राइमरीली होता है पहाड़ों में, तो वहां पर करते हैं और अपने सस्टेनेंस के लिए वो एग्रीकल्चर करते हैं। वो एग्रीकल्चर कमर्शियल लेवल पे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में इस टाइप से आपको नहीं दिखेगा जो आपको नॉर्थ इंडिया में दिखता है। एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर है वो एकदम साफ तरीके से नजर आता है। हाँ, आसाम में भी नजर आता है, आपका मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा में तो बहुत है, और नागालैंड सब में आता है। हालांकि हिल्स में थोड़ा सा कम हो जाता है चीजें, अपने ही उसका मतलब जैसे बनावट है या स्ट्रक्चर है उसके कारण ही थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि नागालैंड में बहुत ह्यूज ह्यूज इंडस्ट्री का उस टाइप का मामला नहीं होता हाँ, है। तो इंडस्ट्री में बात कर रहा था, उद्योग धंधों धंधों की क्या हालत है वहाँ, जरा सा बताइए किस तरह से है। उद्योग धंधा तो काफी परेशान है लोग। मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। आपका इस पूरा क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, आपका आसाम में बहुत मुनाफा कमाने वाले कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां थी। एक था आपका पेपर मिल्स, दो पेपर मिल्स थे, एक जागीर और नौगांव का और एक कचरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बीजेपी आने के बाद तुरंत बंद कर दिया, दोनों बंद कर दिया। और जिस समय वो लोग घोषणा किए उस समय तक इस पेपर मिल्स का जो प्रोडक्शन था वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा था, ये वहां के लोग कहते हैं। अभी भी वहां पर जो लोग काम कर रहे थे वो लोग कहते हैं कि अचानक से ये डिसीजन आया। फिर एक ये फर्टिलाइजर आपका इंडस्ट्री था, मैं आसाम का कह रहा हूँ, वहां पर आर एग्जाम्पल के बताओ, वो नामरूप सार कारखाना बोलते थे, नामरूप का खाद कारखाना, वो बंद कर दिया। हाँ, उसमें लोगों को लोग कुछ कुछ कह रहे थे कि हमको ये मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी प्रोवाइड नहीं है क्या, वो पूरा उद्योग बंद कर दिया। तो ऐसे तो कोलाप्स करा करा के लेके चीजें आ रहा है। मेघालय में भी ये, हालांकि बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आपको हिल्स में दिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज होते थे वो लोग काफी संकट में है। स्पेशली आपका कोविड के बाद जो सिनेरियो है इकोनॉमिक, उसमें तो काफी संकट में दिख। हाँ, वही जो कोविड आपने बात की, मैं इसी पे आखिरी सवाल के तौर पे आना चाह रहा था कि ये आफ्टर कोविड चुनाव होने जा रहे हैं 2020, 21 और 22, हमने देखा जिस तरह से, क्या उनका इफेक्ट, उनका असर भी आप इन चुनाव पर देखेंगे, देख रहे हैं, क्या है इसमें? आप कोविड का आपका अगर देखेंगे तो इनडायरेक्टली है आपका, महंगाई और ये बेरोजगारी या उद्योगों का खत्म हो जाना, वर्किंग क्लास के ऊपर और ज्यादा आपका शोषण आ जाना, ये तो कोविड के बाद तुरंत उसका कैसे स्केल अप हुआ है, कैसे बढ़ गया है, ये हम लोग देख रहे हैं, उसके साथ है। लेकिन एग्जैक्टली कोविड के इश्यूज में हमको नहीं लग रहा है कि इलेक्शन कहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट उसमें नहीं करेगा। ये कोविड पॉलिसीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी या कोविड पॉलिसीज के चलते कैसे इकोनॉमी खराब हुआ, उसमें बहुत ज्यादा हमको नहीं लग रहा कि इलेक्शन का मुद्दा बनेगा। इलेक्शन का मुद्दा यहाँ पर वही दो तीन चीजें बनेगा। जैसे मेघालय में आप एक चीज में भूल गया था, आईएलपी का इशू काफी दिनों से चल रहा था, इनर लाइन परमिट। नोटिस में अपन मेघालय जाएंगे तो आसाम से भी जाएंगे तो आपको इनर लाइन परमिट देना होगा, जी या अरुणाचल जाएंगे, मणिपुर जाएंगे, मेघालय में नहीं है, मेघालय में फ्रीली आप जा सकते हैं। तो वहां पर आईएलपी भी एक इशू है, तो वहां पर गारो के अलग गारो हिल्स का एक अलग डिमांड है आईएलपी को लेके, और खासी का भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी बहुत बड़ा वो लोग प्रॉब्लम है। तो उस टाइप के मुद्दे आपको ज्यादा सामने आता है, हाँ, तो हालांकि संदीप जूरा इसी से है। संदीपन, क्योंकि काफ़ी विविधता है हमारे देश में और काफ़ी विशेषता है पूर्वोत्तर की, तो काफ़ी अलग अलग ढंग से चीज़ें हम देखेंगे। मैं जब बात कर रहा हूँ तो एक उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में आपसे एक एक बारीक बातें जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के दर्शक भी इसे थोड़ा समझें, अपने इन राज्यों के बारे में जानें। तो
अब 30 जनवरी को नामांकन की आखिरी तिथि है, 16 फरवरी चुनाव होने, इसी 16 दिन के भीतर अब सबको मैनिफेस्टो अपने घोषणा पत्र लेकर भी आने हैं और चीज़ें भी साफ होंगी। लेकिन लगभग इतना तय है कि मुद्दों को लेकर अभी विपक्ष ने बढ़त ले रखी है। बीजेपी अभी जनता के पास जाकर फिर एक माफीनामा और एक उनसे कि आपको क्या चाहिए और हम ये देंगे, ये आश्वासन लेकर जाएगी, कुछ चीज़ें शायद फिर उससे दूसरे तरह से निकलें, तो उस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। क्योंकि अभी 16 फरवरी तक त्रिपुरा का मुद्दा गर्म रहेगा। जी बताइए। जैसे आप बीजेपी का आप बात बोल दिए तो एक चीज मुझे याद आ गया था, बिप्लब देव को हाल ही में तो उनको हटाया गया था ना। जी जी 9 महीना भी नहीं हुआ इलेक्शन से पहले, 9 महीने से पहले उनको हटा दिया गया। तो इस बिप्लब देव के चलते बीजेपी के भीतर आपका बहुत सारा फैक्शन गुटबाजी टाइप का सिचुएशन सामने आ रहा था। मैं बताऊं आपको, बीजेपी का 5 विधायक बीजेपी छोड़ के आ गए, तो IPFT जो उनका अलायंस थे उनका भी 3 विधायक वहां से रिजाइन करके आ गए। तो उन लोगों के बीच जो गुटबाजी थी उसको हटा, गुटबाजी और वो भी जनता का मूड शायद देख रहे हो कि भाई हाँ। अब जनता जो है बहुत खुश नहीं है, तो आगे वाले चुनाव में क्या स्थितियां बनेंगी, शायद अब इसको लेकर भी उन्होंने अपना एक नया कदम उठाया हो। तो खैर, हम अगले एपिसोड्स में आपसे भी बात करेंगे एक बार फिर। फिलहाल शुक्रिया। तो साथियों, आपने सुना कि चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है पूर्वोत्तर के इन राज्यों में। आगे के एपिसोड्स में भी हम इन्हीं तीनों राज्य खासकर त्रिपुरा पर फोकस करेंगे, क्योंकि वहीं सबसे पहले चुनाव होने हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, बने रहिए हमारे साथ, हमारी वेबसाइट को पढ़िए, पढ़ाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपके साथ की ज़रूरत है। शुक्रिया, धन्यवाद।